है कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें दो अनआइडेंटिफाइड लोग जो कि मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने फायरिंग करके वहाँ पर स्कूल वैन पर उन्होंने हमला किया। स्कूल वैन जा रही थी और उसमें ड्राइवर वहीं पर मौके पर ही जाँ बहक हो गया, मारा गया बेचारा, और दो से तीन स्टूडेंट्स भी जख्मी हुए हैं। उनकी तस्वीरें तक वायरल हो रही हैं। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर नहीं दिखा सकती, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वो सारी पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी उन गोलियाँ लगी हैं, या जैसे भी वो ज़ख्मी हुए, ज़ाहिर है कि गोलियाँ लगने से ही हुए होंगे ना। स्वात में इस तरह का वाकया इतने अरसे के बाद दोबारा होना, और वो भी स्कूल वैन पर, सीधा पता है ये कहाँ पर लेकर हमें जाता है? ये हमें लेकर जाता है एपीएस पे, एपीएस के सानिहा पे, वो वाला सानिया जिसमें तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, तालिबान ने अटैक किया है स्वात। ये केपीके का इलाका है, फाटा के करीब का इलाका है। बेसिकली ये पश्तून बेल्ट वाला इलाका है जिसकी बॉर्डर अफगानिस्तान से लगती है। वहाँ पर तालिबान ने एक स्कूल वैन पर अटैक किया है जिसमें ड्राइवर मारा गया है, साथ ही साथ कुछ बच्चे मारे गए हैं। यार बच्चे छोटे छोटे, ऑब्वियसली उनका मारा जाना एक बहुत दुखद बात है, चाहे वो किसी के बच्चे हों। स्कूल जाते हुए बच्चे बेचारे, अगर उन पर गोलियां चल जाएं तो ये बहुत बहुत ही बड़ा हादसा है। पाकिस्तान में ऐसा हादसा हो चुका है कि स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए, आर्मी वाले के स्कूल में। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने ही थे, जब हम सभी लोग ने दुख खेद किया और स्कूलों में स्पेशली मौन व्रत रखा गया था। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जिस दिन वो वाला वाकया हुआ एपीएस का, तो हम ये कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ पहुँच गए हैं? एक मरतबा फिर हम वहीं पर पहुँच गए क्या, उसी मोड़ पर? अच्छा, इसके ऊपर इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बताई देती हूँ। वो ये है कि मैंने आपको बताया, नामालूम अफराद जो कि मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने फायर खोला और स्कूल वैन वहाँ से गुजर रही थी, और स्वात चार बाग है ये एरिया, और मंडे को ऐसा हुआ है, और इसमें ड्राइवर मौके पर ही मर गया और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, इसमें जो बात की जा रही है, जो अभी तक की है कि जी वो नहीं पता चल सका, और फौरी तौर पर जो खबरें आना शुरू हो गई वो ये थी कि तालिबान ने हमला कर दिया एक स्कूल वैन पर और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ख्मी हुए और ड्राइवर मारा गया। लेकिन फिर उसके बाद ये खबर आई कि तालिबान ने इस पे अपनी जो क्लेम है वो ये किया है कि नहीं, ये हमने नहीं किया। यानी एक तो होता है ना कि क्लेम किया जाता है, जी हमने किया है, तो जब उन्होंने ये देखा कि ये जैसे ही खबर आई तो वो इसी तरीके से वायरल हुई, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह का एक हमला है। और हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पर तालिबान पहुँच चुके हैं, स्वात में जो सिचुएशन है उस पर तो हम बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो फिर फौरी तौर पर यही हुआ कि सब ने कहा कि ये तालिबान ने हमला किया, लेकिन फिर ये पता चला कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये हमने नहीं किया और हमारे टारगेट्स कुछ और हैं, हम कुछ और टारगेट अचीव करना चाहते हैं, इस तरह की कोई उनकी स्टेटमेंट आई। लेकिन बात यह है कि अगर उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया तो क्या हम कहें कि हाँ ठीक है उन्होंने, फिर किसने किया, फिर कौन हो सकता है? देखिए, स्कूल वैन पे हमला कौन करता है? अभी तक जो पाकिस्तान में जितने भी वाकयात हुए हैं वो इसी तरह के वाकयात हुए हैं। अच्छा, फिर अगर ये बलूचिस्तान में होता तो हम कहते हैं कि जनाब ये BLA की तरफ से हुआ है या किसी और ग्रुप की तरफ से हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्वात में तो हमें जो नज़र आ रहा है तो उसी पे सब कहेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है। मोहसिन दावड़ ने ये इसके ऊपर बाकायदा ट्वीट किया है, मेंबर नेशनल असेंबली मोहसिन दावड़ जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान से हैं, उन्होंने इसको कंडेम किया। उन्होंने ये कहा कि आज स्वात में स्कूल वैन पर हमले के बाद रियासत को अब जाग जाना चाहिए। रियासत एक बार फिर स्वात में अपनी रिट खोती दिखाई दे रही है। स्वात के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पश्तूनों को फिर से भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। ये कहना था मोहसिन दावड़ का, चेयरमैन नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अच्छा, सिर्फ मोहसिन दावड़ ने ही नहीं बल्कि उसके बाद मंजूर पश्तीन ने भी किया, फिर बीना सरवर साहिबा ने भी किया, फिर उसके बाद और भी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस उन सब ने इसको ट्वीट किया और इसके ऊपर बड़े दुख का इजहार किया, बड़े गुस्से का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने भी इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा है कि ये जो स्कूल बस पे स्वात में जो हमला हुआ है तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ की सारी सिक्योरिटी देखने की। अगर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस फेल हो गई हैं यहाँ की और ये इस यहाँ की उसको जो है संभाल नहीं पा रही, तो फिर वो सही कह रही हैं, फिर ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से ही कहा गया, क्योंकि इसकी वजह ये कि किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुआ है, जो तकरीबन कहा जा रहा है कि मोर देन हंड्रेड्स
स्टूडेंट्स वो वहाँ पर स्वात में सड़कों पर निकले और उन्होंने इसके लिए एहतजाज किया कि ये क्या हुआ है उनके साथ। अब देखें मलाला के जो उसके ऊपर अटैक हुआ था, उनके ऊपर मलाला पे, उसको 10 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले हम ये देखते रहे कि तालिबान की तरफ से ही कहा जाता रहा कि वो इसको मना रहे हैं, बाकायदा सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10 ईयर्स हो गए मलाला यूसुफजई पे हमला किए हुए। तो क्या ये सेलिब्रेशन का ये एक हिस्सा था? लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं किया, तो फिर ये किसने किया, ये भी सोचने की बात है ना। और सबसे ज़्यादा देखें ये कंसर्न की बात इसलिए कि इस तरह का कोई और हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यानी अगर कोई ये सोच रहा है कि हम खुदा ना खास्ता कोई ऐसा और हमला हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कौम पहले बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ के लोगों ने जो है वो सब कुछ सहा, और फिर हुकूमत कहाँ है भाई? बात ये है कि कहाँ है हुकूमत? ठीक है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको तो हम कह रहे हैं, यानी आप लगे हुए जलसों में, आप लगे हुए पॉलिटिक्स में। मुराद सईद का स्वात इलाका है, वेर इज़ मुराद सईद साहब? मुराद सईद से कोई पूछे कि आप कहाँ हैं? अच्छा, मैं देख रही थी कि उनकी कोई ट्वीट आई हुई है कि ये जो हो रहा है ये दोबारा नहीं होना चाहिए पश्तून। अरे आपसे सवाल होना चाहिए, आप हमें जवाब दें वहाँ के लोगों को, आवाम को, कौम को, लोगों को। आप सवाल कर रहे हैं, आप किससे सवाल कर रहे हैं? आप सिक्योरिटी एजेंसी से सवाल करें? आपका वहाँ पे नहीं हल्का, क्यों हुआ ऐसा? ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ के लोग तो आपसे पूछेंगे। इमरान खान साहब KPK में, उनकी हुकूमत, और वो हेलीकॉप्टर्स पे फिर रहे हैं, उड़ते फिर रहे हैं, सैरें करते फिर रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च की कॉल्स दे रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है। एक मरतबा फिर जो है वो हम उसी चक्कर में फंसने लगे हैं, और तालिबान वहाँ पर, ये इसका कोई भी ज़िम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि अगर हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि अच्छा ये किसने किया, आइडेंटिफाई नहीं होगा, तब तक इसको इसी तरह लिया जाएगा कि ये तालिबान ने किया, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वहाँ पे तालिबान आए हुए हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने बड़े शहरों से लोगों को पकड़ के मारा है भत्ता और टारगेट के लिए, में उन्होंने इस वजह से मारा है कि हमारी मुखबरी करते हो, ऐसे सारे सबके सामने, वो सारी खबरें छुपती नहीं हैं, सामने आ ही जाती हैं। तो दहशतगर्दी के ये सिचुएशन हो चुकी है हमारे मुल्क के अंदर, और हमारी तमाम तर एनर्जीज किस पे इस वक्त हो रही हैं कि एक तो ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, और इसमें हम भी शामिल हैं, लेकिन जो खबरें वही सामने लाएंगे ना। अब ये वाली खबर आई थी तो आपके सामने रख दी। जब हम देखिए सारी हम मसरूफ़ इसमें हैं कि पॉलिटिक्स हो, और या फिर हम ये कहें कि उसमें से कुछ ऑडियोज़ निकाल लो और कुछ वीडियोज़ निकाल लो, तो फिर तो मुल्क का तो यही हाल होगा। इसको देखने की ज़रूरत है, मैं बस इतना ही सामने आपके रखना चाहती हूँ। और ये जो इसको कंडेम किया जा रहा है, इसको इससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कंडेम करना चाहिए कि ये वाक़या हुआ है। शुक्र है, चलें वो ठीक है कि आखिर वो ड्राइवर भी तो बेचारे का किसी का बाप होगा, किसी का भाई बेटा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स महफूज रहे, बच गए, अच्छे खासे उनकी जो तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, खूनों खून, यानी इतना ज़्यादा हुआ है। तो आप सोचें कि उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी जब देखा होगा कि ये तो सजदे में गिर गए होंगे कि शुक्र है बच गए, और अगर ये कुछ इससे ज़्यादा हो जाता फ़र्ज़ करें, तो फिर पूरी दुनिया में ये खबर जाती ना कि एक और वैसा ही जो है ना वो हादसा हो गया है। चले इसको फिर दोबारा हम इसके ऊपर फॉलो। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आया कि पाकिस्तान में जो अभी स्वात घाटी में एक अटैक हुआ है जिसमें एक वैन का ड्राइवर और कुछ बच्चे मारे गए हैं, जो कि काफ़ी दुखद बात है, चाहे वो कहीं के भी बच्चे हों यार, ये बहुत दुखद बात है। आप माने ना माने, बेचारे बच्चे घर से निकल रहे हैं बैग लेकर स्कूल जाने को और वापस आ रहे हैं, उनकी लाश है वो भी गोली लगी हुई, तो ये बहुत दुखद बात है, बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है, और इसका रिस्पॉन्सिबल मैं मानता हूँ पाकिस्तान, टोटली पाकिस्तान, क्योंकि आपने जो अफ़गानिस्तान में बोया उसका आप काटेंगे आप ज़िंदगी भर। आप चाहते थे अफ़गानिस्तान में तालिबान आए, अब ये जो तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये अब तालिबान की एक ब्रांच है, वो वही कानून वही सब कुछ चाहती है पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान में करंटली चल रहा है। वो उनके दिमाग में नहीं है भाई, उनके दिमाग में नहीं कि लड़की बच्चे लड़कियां हैं तो स्कूल जाए, वो वैन में लड़कियों को देखते ही गोली मार देंगे। अगर लड़कियां हैं तो पूरे कवर रहें और घर में रहें, सोएं, खाना बनाएं, बस उनका इतनी काम है, तो उनकी वही सोच है। आपको पता है अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आया था, पाकिस्तान में एक अलग तरीके का सेलिब्रेशन था। अब ये सेलिब्रेशन तो आपने किया, अब ये सेलिब्रेशन का आप ये जलवा देखो, आपको ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा यार। आप किसी भी तरीके के
टेररिज्म को आप सपोर्ट करते हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि इसके आने से ये होगा, इस्लामी हुकूमत आएगी, और फिर आपका अफगानिस्तान के साथ ऐसा बॉर्डर है कि ना आपकी प्रॉपर फेंसिंग है, आना जाना लगा है और रोक नहीं सकते आप, फेंसिंग तक उखाड़ी गई है तालिबान की तरफ से, मेन वाले तालिबान की तरफ से, तो आप क्या कर लोगे? अब इमरान खान को तो खुद तालिबान खान बोला जाता था, खुद डाई हार्ड सपोर्टर थे तालिबान के, कुछ नहीं कर सकते।